नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के साथ ही शासन प्रशासन तमाम गाइडलाइन जारी कर रहा है और लोगों से पालन कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वाहनों की चेकिंग हो रही है, यहाँ तक कि दो पहिया वाहनों पर सवार एक व्यक्ति को भी चेक कर अगर मास्क नहीं लगाया तो उसका चालान काट दिया जा रहा है। लेकिन परिवहन विभाग इन सबसे दूर अपनी दुनिया में ही मस्त दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। आजमगढ़ में तमाम शहरों के लोग बसों से साथ बैठकर आ जा रहे हैं, लेकिन उनकी जांच की औपचारिक कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। कहने को तो कोविड 19 हेल्प डेस्क और सीएमओ कार्यालय से जांच के लिए टीम लगा दी गई है, लेकिन यह सब केवल गलत अदायगी नजर आ रही है। आजमगढ़ रोडवेज की बात करें तो यहां पर कोरोना को लेकर रियलिटी चेक किया गया। बसों में सवार लोग बिना मास्क के बैठे थे और जिन पर यात्रियों को मास्क लगाने की जिम्मेदारी थी वह चालक परिचालक भी बिना मास्क के ही नजर आ रहे थे। यात्रियों और चालक परिचालकों से जब इस बारे में पूछा गया तो सब कोई न कोई बहाना था। कुल मिलाकर कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन लोग अभी भी इस खतरे से अनजान है। इस प्रकार प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती बाहर से आने वाले लोगों की 24 घंटे कोरोना की जांच है। आजमगढ़ में एक दिन पूर्व कोरोना की तीसरी लहर में पहली मौत भी हो गई और लगातार लोग दायरे में आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संवाहक रोडवेज विभाग की संवेदनहीन है, क्योंकि आजमगढ़ जनपद से ज्यादातर लोग सरकारी बसों का इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में जब आजमगढ़ डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक एसडी राम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग हो रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है, अभी फिलहाल दिन में ही व्यवस्था है, इसे जल्द ही 24 घंटे किया जाएगा। उनका कहना है कि फिलहाल ठंड की वजह से यात्रियों की संख्या कम है। अरे कोरोना का केस बढ़ा था, सरकार कहती है कि मास्क लगावे के, मास्क आप लोग ना लगे लेकिन का बात है? मास्क होता है, मास्क होता है, लगाव जरूरी है ना, लगा जरूरी, बीमारी से बचा खातिर है कि ना, तो काहे ना लगे लेकिन? हाँ ले 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 सर, लगा ले। आप लोग मास्क लगाए रहे तो आपका कितना सेफ्टी है? हाँ, जो सरकार की गाइडलाइन कोरोना के पालन की है जी कैसे करा रहे हैं आप लोग? सर हम लोग बस में जो है 50% जो है सवारी बैठा रहे हैं और मान लीजिए 20-25 करके लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मास्क नहीं अभी तो उतारे हैं, ये हम लेके चलते हैं जो है, अभी सवारी बुला रहे थे ना। तो यात्रियों को कैसे आप ये इसके लिए हम लोग कहते हैं भैया आप लोग मास्क लगा के बैठिए जो है, अपना सैनिटाइज लिए रहिए, अपना जो है करते उतर रहिए। स्टेशन पे थर्मल स्कैनिंग का कार्य नियमित रूप से कराया जा रहा है, इसमें कोई कोताही नहीं है और सीएमओ की तरफ से मेडिकल टीम भी आके बैठती है वहाँ पे अंदर हाल में, जो टेस्ट करती है, जो भी लोग जाते हैं उनका टेस्ट करते हैं। और कल रात नई गाइडलाइन आई है कि जैसे जो भी यात्रियों को सिम्टम है उनकी नियमित रूप से जांच कराई जाएगी, जांच करा के उनको घर बुला जाए या जो भी आगे देना है। नहीं टीम तो रहती है, दांत में तो नहीं रहती, लेकिन दिल में टीम रहती है। अब इसके लिए सीमो साहब से कहा जाएगा कि 24 आवर लगाया जाए और इसके लिए प्रयास किया जाएगा 24 आवर भी चले, इसके लिए काम जब भी चल रहा है। और मास्क के लिए जो है सभी स्टाफ को ये हिदायत दे दी गई है कि आप सभी यात्रियों से कहें कि मास्क लगाकर ही गाड़ी में चलें, है ना, सख्ती भी बरती जाएगी, लेकिन अभी केवल कहा जा रहा है कि आप जो है नियमित रूप से मास्क लगा कर ही गाड़ी में बैठें, नहीं आइंदा से भविष्य में जो है आपको चलने से जो है यात्रा से वंचित कर दिया जाएगा। तथा सभी यहाँ पे जितने स्टाफ हैं सबके लिए मास्क वितरित कर दिया गया है, हाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था है। और जैसे जो अभी यात्रियों की संख्या बस में बराबर है कि कम है? नहीं कम है, नहीं अभी हमारे यहाँ से कोई गाइडलाइन जो है मुख्यालय से इस तरह का नहीं है, है ना, कि लेकिन ऐसे मौसम के हिसाब से यात्री कम जा रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।